हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आई होप भाई आपने एनमैट का अपना फॉर्म फिल कर दिया है एंड अपने भाई कॉलेजेस का सेपरेटली फॉर्म फिल कर दिया है। एग्जाम की डेट आपने स्केड्यूल कर ली है। एक बात ध्यान रखना, जब आप एनमैट का फॉर्म भरते हो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि भाई कौन कौन से कॉलेजेस में आप चाहते हो आपका स्कोर चला जाए। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, उनको लगता है कि भाई इन कॉलेज में अप्लाई हो गया है। इसका सिर्फ ये मीनिंग है कि एनमैट अपनी तरफ से उन कॉलेजेस को स्कोर भेज देगा, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि वो कॉलेजेस आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं तो आपको भाई उन सब कॉलेजेस का सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो भाई फॉर्म फिल कर देना। तो यहाँ पे मैं आपको जो एनमैट के टॉप कॉलेजेस है वो बताऊंगा, इसके साथ उनकी प्लेसमेंट क्या रहती है वो बताऊंगा, एंड साथ में आप एनमैट एग्जाम को किस तरह से क्रैक कर सकते हो विद इन 40-50 डेज, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसका भी आपके साथ एक प्लान शेयर करूंगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, यहां पे डेली बेसिस पे क्वांट शॉर्टकट वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मिलते रहते हैं जो आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं एनमैट के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, तो एनमैट एग्जाम का स्कोर अब धीरे धीरे काफी सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें से जो आपका फ्लैगशिप कॉलेज है वो है NMIMS। NMIMS का जो मुंबई कैंपस है वो सबसे पॉपुलर है, आपका ड्रीम कॉलेज बन जाता है एनमैट के थ्रू। उसके बाद इसके जो अदर कैंपसेज है बैंगलोर हैदराबाद वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नंबर टू पे आपके सामने KG सोमाया आ जाता है। भाई KG सोमाया ने भी एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो एक आपके लिए अच्छी बात है। आप एग्जाम भी में जा सकते हो HR प्रोग्राम के लिए, तो वो भी भाई आपका एक्सेप्ट करता है एनमैट का स्कोर। एंड तापी इंस्टीट्यूट ने भी इस साल से एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये 4 टॉप कॉलेजेस हैं। इसके अलावा अगर आप बैकअप रखना चाहते हो आप IBS और ST बोकनी को रख सकते हो। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स की, तो भाई आपके सामने ये प्लेसमेंट, अगर मैं NMIMS मुंबई की बात करूं तो 23.07 लाख का पैकेज इनका एवरेज रहा है, जो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है, तो आप ये कॉलेज टारगेट कर सकते हो। उसके बाद एग्जाम भी HR की बात करें तो 15.12 लाख का एवरेज पैकेज रहा है। KG सोमाया की अगर हम बात करें तो 10.67 एंड तापमी की अगर हम बात करें तो 12.60। तो ये टॉप 4 कॉलेजेस हैं और ये इनकी प्लेसमेंट रहती है। तो अगर आप भाई चाहते हो इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना, तो भाई आपको स्कोर करना है 230+। आपके माइंड में लेके चलो भाई 230+ मुझे स्कोर करना है। हाउएवर कट ऑफ थोड़ी बहुत वेरी होती है, 235 भी हो सकती है, 225 भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है। बट एक बेंचमार्क स्कोर मैंने आपको दे दिया है कि 230+ अगर आपका स्कोर आने लगा है मॉक्स वगैरह में, तो यू आर इन अ गुड स्पेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई सिलेबस क्या है, एनमैट एग्जाम को क्रैक करने के लिए किस तरह से एग्जाम को अप्रोच करना है। देखो ये एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये एक अडेप्टिव एग्जाम है। अडेप्टिव एग्जाम का मीनिंग क्या हुआ, अडेप्टिव एग्जाम का मीनिंग ये हुआ कि इस पूरे पेपर में आप कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते। एंड नंबर टू, आपको भाई यहां पे कोई ऐसा नहीं है नेगेटिव मार्किंग है, -1 +1 ऐसा नहीं होता, हर एक क्वेश्चन की अलग मार्किंग होती है। मान लो आपने आंसर सही किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिलेगा, एंड उसको अगर आपने सही कर दिया तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने वो गलत कर दिया तो आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इजी मिलेगा, लेकिन पेनल्टी भी लगेगी। इसीलिए इस एग्जाम को अडेप्टिव कहा जाता है कि जो स्टूडेंट जैसा परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, हाउएवर आप अपने ऑर्डर ऑफ सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। आप लैंग्वेज पहले करना चाहते हो, लॉजिकल करना चाहते हो, क्वांट करना चाहते हो, या आपको स्टार्टिंग में ऑप्शन मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हो 1, 2, 3, उसी सीक्वेंस में आपका पेपर आएगा। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रेंशन, पैराफॉर्मिंग, एरर आइडेंटिफिकेशन, जो एक तरह से ग्रामर हो गया, प्रीपोजिशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजीज, तो वही आपका वोकैबुलरी, ग्रामर, आरसीज, ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में जो आपका बेसिक LR होता है वो तो आती है, इसके साथ ही क्रिटिकल रीजनिंग भी आपसे पूछा जाता है। क्वांट में अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक, एलजेब्रा, देन आपके सामने ग्राफ, चार्ट, डायग्राम्स, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री से थोड़े बहुत मॉडर्न मैथ्स, प्रोबेबिलिटी आप देखोगे, नंबर सिस्टम देखोगे, तो मोर और लेस वही सिलेबस आपके सामने दिख जाएगा। अगर मैं बात करूं इस एग्जाम को आप कितनी बार अपियर कर सकते हो, आप मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स अपियर कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो NMIMS मुंबई वाला कैंपस है वो सिर्फ आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के स्कोर को एक्सेप्ट करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि पहले अटेम्प्ट में आपको अपना बेस्ट निकालना है ताकि आप NMIMS मुंबई की कॉल को फेच कर पाओ। ठीक है, तो अब अगर हम आगे यहां पर डिस्कशन करें तो पेपर में आपके सामने तीनों सेक्शन के 36 क्वेश्चन होंगे, 36 36 36। जो आपका लैंग्वेज का सेक्शन होगा वो 28 मिनट्स का होगा, क्वांट का 52 मिनट्स का, एंड लॉजिकल रीजनिंग का 40 मिनट्स का। ठीक है, एंड आपका जो स्कोर आएगा वो आउट ऑफ 360 आएगा। बेंचमार्क स्कोर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 230+ आपको यहां पे टारगेट करना है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सर तैयारी करें कैसे, तो आपको भाई अप्रोच बताऊंगा। इसके साथ ही हमने भाई एनमैट नाम का डेडिकेटेड कोर्स निकाला है, जिसमें आपकी टू द पॉइंट भाई प्रिपरेशन होती है, जो आपको रिक्वायर्ड है एग्जाम में, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एकदम आपको सिस्टमैटिक प्लानर दिया जाता है, आपको 100 आवर्स की वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपके टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स कराए जाएंगे। आपको 3 ई-बुक्स मिलेगी एनमैट स्नैप की, जिसमें आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे, एंड एनमैट के आपको भाई फुल लेंथ जो आपको मॉक्स है वो भी मिलेंगे, अडेप्टिव मॉक्स। भाई ये सारे के सारे मॉक्स क्या होंगे, ये सारे अडेप्टिव मॉक्स होंगे। ठीक है, मतलब जैसा आपका एक्चुअल पेपर आएगा वैसे मिलेगा, और इसके साथ ही आपको स्नैप के मॉक्स एंड पूरी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। अप्रोच क्या होनी चाहिए इस एग्जाम की, भाई देखो आपको ये चीज समझनी है
कि यहाँ पे आपके सामने लैंग्वेज है, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स है, लेकिन टाइम उतना नहीं है भाई। यहाँ पे आपको स्पीड भी बिल्ड करनी है और स्पीड के साथ आपको एक्यूरेसी भी बिल्ड करनी है। तो भाई ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें भाई अगर आपकी एक्यूरेसी खराब होगी तो आपके पेनल्टी मार्क्स लगते रहेंगे। आपको स्पीड इसलिए बनानी है क्योंकि अगर आप किसी रीजन से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए पूरे सेक्शन को और टाइम खत्म हो गया तो भी ह्यूज पेनल्टी लगती है। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करें एंड हमारी एक्यूरेसी स्ट्रॉन्ग हो ताकि स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाए। इसके लिए आपको क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई आपको एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जब आप कॉन्सेप्ट की बात करते हो ना, आपको कॉन्सेप्ट की डेप्थ में नहीं जाना है, विड्थ को कवर करना है। विड्थ का क्या मतलब हुआ कि मान लो आप परसेंटेज टॉपिक कर रहे हो, आपने अरिथमेटिक सेक्शन उठाया, अब ऐसा नहीं करना कि अरिथमेटिक में परसेंटेज ही करे जा रहे हो। आपने विड्थ कवर कर ली, क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, आपने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे वो इजी मॉडरेट लेवल के प्रैक्टिस करे। आपको एडवांस क्वेश्चन बिल्कुल भी प्रैक्टिस इस पेपर के लिए नहीं करने हैं, लेकिन आपको कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। तो परसेंटेज के बाद आपने रेशियो प्रोपोर्शन, फिर आपका प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें करनी है। तो विड्थ का मतलब यही हुआ कि कवरेज आपको सारी टॉपिक से करनी है, हाउएवर किसी भी टॉपिक की डेप्थ में मतलब एडवांस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। नंबर टू, जो मैं आपको ई बुक प्रोवाइड कर रहा हूं वहां से जैसे आपने वीडियो लेक्चर देखा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपके इजी मॉडरेट क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद ई बुक से प्रैक्टिस करोगे। जब आप ई बुक से प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपका जो टॉपिक है उसका कमांड बन जाएगा। आपकी एक्यूरेसी का जो चैलेंज है कि सर मेरे से ये क्वेश्चन हो नहीं पाते, चाहे क्रिटिकल रीजनिंग हो चाहे कुछ भी हो, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे बिल्ड हो जाएगी। देन आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट। जो मैं आपको टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं वो टेस्ट से क्या होगा, जब आप टॉपिक वाइज टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि हर एक टेस्ट में टाइमर लगा हुआ है, तो टाइमर की वजह से क्या होगा, आपका स्पीड डेवलप होगा, ठीक है। एंड देन आपके सामने स्टेप फोर है, वो क्या है, वो है फुल लेंथ अडेप्टिव मॉक्स। भाई सारे के सारे मॉक्स अडेप्टिव हैं, तो आपको बिल्कुल वही एनालिसिस मिलेगा, वही आपकी अप्रोच डेवलप होगी जो एक्चुअल एग्जाम में आपको फॉलो करने। तो यहां पे आप सारे एक्सपेरिमेंट करोगे, भाई आपको वर्बल पहले करना है, क्वांट्स पहले करना है, एलआर पहले करना है, किस तरह से पेपर को बिल्ड करना है, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या है। तो यहां पे आपको एक्चुअल एग्जाम का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जिसके बाद आप परफेक्टली रेडी हो जाओगे। तो इस तरह से आप पूरे एग्जाम को कवर करोगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता चुका हूं, किस तरह से आपको सारे के सारे सब्जेक्ट को डील करना है वो बता चुका हूं, स्कोर आपको बता चुका हूं, कट ऑफ आपके साथ शेयर कर ली है। अब आपको भाई अपने प्रिपरेशन मोड को ऑन करना है। तो भाई इस कोर्स का जो वैलिडिटी है 23 दिसंबर तक है। ये कोर्स में आपका क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल पूरा कवर हो जाएगा, एनमैट्स, स्नैप दोनों एग्जाम्स के लिए आप तैयार हो जाओगे। 3 आपको ईबुक्स मिल जाएंगी जिसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, 10 एनमैट मॉक्स, 20 स्नैप के मॉक्स मिल जाएंगे। इसके साथ भाई आपका जो पूरा का पूरा कोर्स है उसमें एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, क्योंकि आपके सामने डेली स्टडी प्लान होगा, तो एक स्ट्रक्चर के साथ आपकी पढ़ाई होगी। तो कोई भी अगर एनमैट एस्पिरेंट है, कोई भी स्नैप एस्पिरेंट है, उसके लिए कोर्स काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। पूरे कोर्स का जो फीस है दैट इज ₹5500, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स, ईबुक्स, एनमैट के मॉक्स, स्नैप के मॉक्स, सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड है। वीडियोस आपने ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पे देखे हुए हैं, किस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं, डेमो लेक्चर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, एंड पोर्टल किस तरह से काम करेगा वो भी आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूं। तो आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है उससे आप जैसे ही लॉग इन करोगे तो आप हमारे पोर्टल पे लैंड कर जाओगे। इस पोर्टल पे मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, ई बुक्स कैसे यूज करनी है, ऑनलाइन टेस्ट कौन कौन से मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट कैसे क्रिएट करने हैं, सो दैट आपको एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो जैसे ही आप एक वीडियो लेक्चर देखोगे, वीडियो लेक्चर के बाद जैसे आप यहाँ पे ई बुक्स पे क्लिक करोगे, तो आपको एनमैट और स्नैप की स्पेसिफिक जो हमने बुक्स बनाई है वो मिल जाएंगी। तो एनमैट और स्नैप गाइड की बात करो तो यहाँ पे वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग और क्वांट, 3 बुक्स आपको मिलेंगी। तो जो आपकी वर्बल एबिलिटी की बुक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपकी एक इंटरैक्टिव एनमैट और स्नैप गाइड वर्बल एबिलिटी ओपन हो जाएगी। इस बुक में वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। आप पूरा का पूरा टीओसी यहाँ पे चेक कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंपल्स, एरर आइडेंटिफिकेशन, जो भी क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आते हैं, आप भाई यहाँ पे इस बुक का बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर सकते हो। उसको एकदम बुक की तरह आपको यूज करना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे, आप प्रैक्टिस करोगे सारे के सारे आरसीएस को, जब आप सॉल्व करोगे, उसके बाद जब आपको सॉल्यूशन भी देखना है तो आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक पीडीएफ नहीं है, ये प्रॉपर एक बुक है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक हियर फॉर सॉल्यूशंस करोगे तो आप डिटेल सॉल्यूशन की तरफ आ जाओगे और यहाँ पे आप अपने सॉल्यूशन को मैच कर सकते हो। वापस आपको एक्सरसाइज की तरफ जाना है, आप एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लो आपको कोई और टॉपिक करना है तो आप इजीली यहाँ पे अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे एरर आइडेंटिफिकेशन आपने कहा कि मुझे करना है, आपने वीडियो लेक्चर देखे ग्रामर के, उसके बाद आपने कहा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यहाँ पे भाई सारे के सारे क्वेश्चन ओपन हो गए हैं, एक्सरसाइज ओपन हो गई है। अगेन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ये बुक है, और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्यूशंस पे क्लिक करो, आपके सामने एरर आइडेंटिफिकेशन के डिटेल सॉल्यूशन ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, जब आप एनमैट स्नैप गाइड रीजनिंग पे क्लिक करोगे तो आपके सामने रीजनिंग की बुक ओपन हो जाएगी, जो इस तरह की आपकी होगी। तो इसमें भी आपको भाई सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, बिल्कुल इंटरैक्टिव फॉर्म में आप हर एक चीज प्रैक्टिस कर सकते हो।
यहाँ पे आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसका आपने वीडियो लेक्चर देखा उसकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे आओगे और एग्जाम रेलिवेंट आपको क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। अगेन सॉल्यूशन के लिए कहीं नहीं जाना, जैसे आप क्लिक करोगे क्लिक हेयर फॉर सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो किसी भी टॉपिक पे भी अगर आपको नेविगेट करना है, बहुत ही इजी प्रोसेस, आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको वो वाला टॉपिक ओपन हो जाएगा एंड देन आप उस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ क्रिटिकल रीजनिंग की बात करूं तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन की। अगेन इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एकदम एनमैट स्नैप एग्जाम से रिलेटेड है, उसी टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाले हैं और आपको सॉल्यूशंस पूरे पूरे डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। इन द सिमिलर वे अगर मैं क्वांट्स की बुक पे क्लिक करूं तो ये मेरी एनमैट और स्नैप गाइड क्वांटिटेटिव एबिलिटी है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो मेरी ये वाली ई बुक ओपन हो जाती है जो आपको इस तरह की दिखेगी। अगेन ये इंटरेक्टिव है, इसमें एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जैसे आपने नंबर सिस्टम का वीडियो लेक्चर देखा, आप यहाँ पे आए नंबर सिस्टम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करी ताकि आपका कमांड बन जाए कॉन्सेप्ट के ऊपर। सॉल्यूशन अगेन आपको यहाँ पे बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से मिल जाएंगे जहां पे आप सारे के सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद लेट से आपको कोई और टॉपिक देखना है, आपने कहा यार मुझे टीएसडी पढ़ना है, तो आप जैसे ही टीएसडी पे आओगे तो टीएसडी आपको ओपन हो जाएगा। आपने उसका वीडियो लेक्चर फिनिश कर लिया है, फिनिश करने के बाद आप यहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो एंड देन आप सॉल्यूशन से रेफर करके अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हो। तो इस तरह से आप इन बुक्स का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एनोटेशन का, जिसका मतलब अगर आपको कुछ मार्क करना है, बोल्ड करना है, तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। आपको कोई क्वेश्चन टिक करना है, यार इंपॉर्टेंट है मैं बाद में रेफर करूंगा, वो सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, सो दैट भाई आप इन बुक्स का बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर पाओ। ठीक है, तो ई बुक्स आपने यहाँ पे देख लिया कि हाई क्वालिटी ई बुक्स हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट है, एग्जाम रिलेटेड है, तो काफी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगी। जब आपने ई बुक से प्रैक्टिस कर ली है तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि मुझे अब अपने ऑनलाइन मॉक्स देने हैं, तो ऑनलाइन मॉक्स के लिए भी हमने आपके लिए यहाँ पे एनमैट और स्नैप दोनों के डिटेल्ड मॉक्स आपको दिए हैं। जो स्नैप के मॉक्स हैं वो एक्चुअल उसी पैटर्न पे है, जो लेटेस्ट आपका पैटर्न है उस पर आपको 12 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। एक एक क्वेश्चन में आपने क्या सही किया क्या गलत किया वो आपके सामने होगा। सिमिलरली एनमैट के अडेप्टिव मॉक्स, क्योंकि एनमैट आपको पता है अडेप्टिव एग्जाम है, तो उसके भी आपको 10 फुल फ्लेज्ड मॉक्स मिलते हैं। बिल्कुल आपको सिमिलर एक्सपीरियंस मिलता है जो आपका एक्चुअल एनमैट एग्जाम में होगा, ताकि आपको बिल्कुल डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। इन द मीनवाइल अगर आपको लगता है मुझे और टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, तो आपको हम लोग फीचर देते हैं लर्निंग टूल्स के अंदर जनरेट टेस्ट में जाओ, वहां पे आप किसी भी टॉपिक का टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। मान लो आपने कहा कि सर मेरा टीएसडी वीक है, टीएसडी में मुझे प्रैक्टिस करना, तो आप यहां पे टेस्ट बना सकते हो एंड डिफिकल्टी लेवल सेट कर सकते हो एंड उसकी फर्दर आप एडिशनल प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको पोर्टल बहुत डिटेल में समझ में आ गया है। नाउ यू आर इन अ पोजीशन जहां पे आप इसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर पाओगे। तो आई होप पोर्टल आपको समझ में आ गया है। जो बच्चे पूरा कोर्स नहीं करना चाहते, ये तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि एनमैट की टेस्ट सीरीज में जरूर एनरोल कर लो। क्यों? क्योंकि भाई अडेप्टिव एग्जाम है, आपको आइडिया नहीं है किस तरह से पेपर को अप्रोच करना। जब आप ऐसे एक्चुअल एग्जाम्स दोगे तभी आपको आइडिया होगा किस तरह से अपनी पूरी एग्जाम स्ट्रेटजी बनानी है। तो 10 आपको नेशनल मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे पूरे एनमैट पैटर्न पे एंड कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। अगर आप कोर्स में एनरोल करते हो, ये मार्क्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे, अलग से आपको एनरोल नहीं करना है। हर साल भाई हमारे यहाँ से काफी सारे टॉपर्स एनमैट के निकल रहे हैं, आप देख सकते हो निलंजन 274 मार्क्स, राहुल 259, 254, 252, 248, तो काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्म किया है, काफी अच्छा स्कोर किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो 251 मार्क्स, द कोर्स वाज थॉरो एंड कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, आई विल रिकमेंड टेकिंग द स्नैप एंड मैट कोर्स फॉर anyone who is taking these exam. Then Rishi आप देख सकते हो 246 marks, 245, 243, 243, तो ऐसे बच्चों ने score किया है, आप भी कर सकते हो। जो आपको planner दिया जा रहा है उसको भाई तरीके से follow करना है, जो mock दिए जा रहे हैं उसको आपको solve करना है and आप यहाँ पे बच्चों का खुद ही दे सकते हो the mock questions were similar to the real exam pattern. तो इस तरह से आपको भाई एक sincere तरीके से तैयारी कराई जाएगी ताकि आप इस exam के लिए ready रहो। तो I hope भाई आपको सारी की सारी details समझ में आ गई है, course के बारे में आपको पता चल गया, तो भाई आप course को join कर सकते हो and भाई NMAT के अगर आप aspirant हो तो भाई काफी ज्यादा आपको यहाँ पे हेल्प मिली होगी। आपको ड्रीम कॉलेज वही रखना है कि NMIS मुंबई ही मुझे एडमिशन लेना है, तभी जाके भाई आप अपने ड्रीम स्कोर को अचीव कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड लक।